खाटू नरेश की लख दातार की बाबा का दरबार इसमें कोई दो राय नहीं कि मंदिर जो आया हो गया दीवाना, ये बिल्कुल फैक्ट है। जब भी इस दरबार में आते हैं एक अलग रूप में खो जाते हैं, समा जाते हैं। और भगवान के बारे में कहा गया है कि बहुत आसान है इनको पाना, ये जितने बैठे इनको पाना इम्पॉसिबल है। हम लोग जितने भी बैठे हैं अगर किसी भी वक्त हम चाहें इनको पालें तो ये इम्पॉसिबल है। वक्त की बात है, वक्त पर पॉसिबल है और हमारा वक्त नहीं है तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये हर वक्त पॉसिबल है। और इसके भी कारण है, इसके लिए कोई अगर डेट फिक्स कर दे आप, अदरवाइज इस पर भी कुछ लिखिएगा। इसके लिए अगर आप कोई डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन ये दिन आपके नाम, जैसे अंधेरी बारह बरसों से, मैं तो मुझे याद नहीं कितने साल हो गए, बरसों से अंधेरी बारस की शाम इनके नाम है, तो जिस जगह पर इनके नाम शाम हो जाती है तो उस जगह पर कोई भी आता है उसका कुछ ना कुछ काम जरूर बनता है। ये अटल सत्य। आज लोग ग्यारस को जाते हैं, एक ग्यारस फिक्स कर दी, जिसने ग्यारस फिक्स कर दी, और सुभाष जी कोई काम आ गयो, मान लो कल कोई फाइल निपटानी है, सलटानी है, और ग्यारस है तो फाइल शाम जी निपटा होगा, आपा तो चला खाटू, तो वो फाइल निपटाएगा क्योंकि वो भी देख रहा है किसको मेरे ऊपर इतना भरोसा है, मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आ गया। शिवचरण जी ने ऐसे थोड़ी ना कई भजनों में लिखा हस्ती मिटा दो, हस्ती मिटा दो का मतलब अपना मर्डर थोड़ी कर दो, हस्ती मिटा दो का मतलब इसके नाम के आगे कुछ भी आ जाओ उसको धत्ता बना बताकर इसके राह पर चल पड़ो, बाकी का काम ये करें। इसलिए सिर्फ करना क्या है पता है, शाम को पाने के लिए मन राने कह दे अब तो अब तक तो हार्यो है तू ना हारे तो आगे, अब तक तो हार्यो है तू ना हारे तो आगे, मन रात कहते अब तू अब तक तो हार है।
का सहारा तेरा नाम है, ओ सुन सांवरे, हारे का सहारा तेरा नाम है। पड़ोसी नहीं, सगा भाई भी आपका नहीं है। उस समय इसीलिए खाटू उतने लोग नहीं जाते थे, 50 साल पहले कितने जाते थे, 1000-1500। आज कोई साथी नहीं मिला, कोई हारे को हाथ पकड़ने वाला नहीं मिला, तो खाटू दौड़ते हैं लोग। आपके साथ नहीं आएगा, आप समझ रहे हो कि कोई श्याम प्रेमी आपकी नाव चला देगा, नाव नहीं चलाएगा। हाँ, लेकिन आप अगर अनजान हो, आप अगर अनजान हो, श्याम को नहीं जानते हो, तो आज श्याम का प्रेमी इतना जरूर कह देगा कि खाटू चला जा, ठीक है श्याम भाई, इतना जरूर कह देगा। अब आपको कह दिया खाटू चला जा, अब आप निकल गए, लेकिन पता नहीं खाटू में क्या होता है क्या नहीं होता है, दिखावा भी होता है। लोग सोचते कि वहां पर क्या चढ़ेगा, क्या पसंद है। कोई परेशान आदमी किसी श्याम प्रेमी से मिला, उसने बोला खाटू चला जा, वो गया खाटू,
उसने सोचा बाबा को क्या चढ़ाऊं, देखा कि चूरमा लेकर जा रहे हैं, एक कट्टा चूरमा भर लिया और लेकर जा रहे हैं। अब वो चूरमा को ही संभालने में रह गया, मंदिर में प्रवेश किया, वो चूरमा कहाँ चढ़ाऊं, कैसे चढ़ाऊं, किसको दूं, क्या करूं, इसी में उलझ गया। बाबा से मुलाकात ही नहीं मिली, आ गया वैसे का वैसे। फिर गया, इस बार देखा मेवा ले रहे हैं, मेवा का कट्टा ले गया, वही हाल हुआ, कोई सुनवाई नहीं। फिर गया, इस बार देखा केसरिया पेड़ा ले जा रहे हैं, वो ले गया, वापिस आ गया, बैरंग हो गया। लेकिन अब की बार जब गया तो उसने कहा कि बस अब दांव पर लगाकर सीधा बाबा के दरबार में गया, कुछ नहीं लेकर गया। और जो ही श्याम से नजरें मिली, पहली बार लगा कि आज तक तो हमने कुछ किया ही नहीं था, इसके दीदार ही नहीं किए, दो बूंद टपक गए, बाहर निकला और काम बन गया। प्रत्यक्ष देखा, इस दरबार की खासियत ये जो कुछ समझ कर नहीं गया। मुन्ना भाई ने किसी को बोल दिया कि चल मेरे साथ खाटू, उसको मालूम ही नहीं है खाटू क्या है। उसने देखा कि मुन्ना भाई ले जा रहा, फ्लाइट में ले जा रहा है, ठीक है ना, फ्लाइट में ला रहा है, अच्छे होटल में ठहराएगा, लगातार में ठहराएगा या शाम होटल में ठहराएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि हमारे भाई भाई है, कोई भी वो गया सिर्फ की चलो इसके संग जाएंगे, समय कट जाएगा, काम कुछ है नहीं। वो वहां गया और बाहर आते ही काम बन गया। चार दिन बाद वो मुन्ना भाई को खोज रहा, मुन्ना भाई चलोगे खाटू, अरे पागल, अरे पागल, चार दिन में, अभी तो 25 दिन बाकी है, अगली ग्यारस को जाना है। बोले मुन्ना भाई आपने जिससे मुझे मिलवाया है, मैं चार दिन में तड़प गया, चार दिन में मेरा वो काम बन गया जो पूरी जिंदगी में ही बना था। यही है हमारे अब तक तो हारे है तू आ
अब तक तो हारो है तू नहारे को हारे, अब तक तो हारो है तू नहारे को हारे। अब तक तो हारो गारंटी, जिसकी नीयत खराब नहीं है, समय भगवान राम का भी समय खराब आया, भगवान कृष्ण का भी, लेकिन जिसकी नीयत खराब नहीं है और जिसको अपने इष्ट पर विश्वास है, जिसने जिसने किसी का बुरा नहीं किया और अगर अपने इष्ट पर उसको विश्वास है तो उसको हारने नहीं देगा। कोई जरूरी नहीं कि उसमें मैं कोई संत हूं या आप कोई संत हैं, ये अटल सत्य की बात है। भरोसा करने वाले एक से बड़े हैं, हम अपने आप को बहुत ऊंचा स्थान समझते हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं, ऐसा ऐसा भरोसा करने वाले इस श्याम जगत में श्याम परिवार में हैं, जो कभी सामने नहीं आते लेकिन उनको कहीं जाने की दरकार नहीं होती, उनके हर काम के अंदर में श्याम खुद उनके दरवाजे जाकर काम करता है। का दिन है, बिजी शेड्यूल होता है लेकिन फिर भी शाम ने आपको बुलाया, आप नहीं आए, शाम ने आपको बुलाया, तो आइए। प्रेमी, एक प्रेमी एडमिट करता है प्रभु के दरबार में आकर कि मैं अगर कहीं धक्के खाया, मैं अगर ठोकरे खाया तो अपने कर्मों के कारण, और आपके दरबार में आकर मुझे क्या मिला। ये भाव है जो मानते हैं कि हमारी गलतियों के कारण हमें आज तकलीफ सहनी पड़ी, तो इस भजन को आप भी संग गाइए, है ना। सुनते कि जज साहब के सामने में जब पेटी केस होता है और अगर जज साहब पूछते आपने गलती करी, पर अगर वो कटघरे में खड़ा व्यक्ति बोल देता कि हाँ सर गलती करी, तो जज साहब उसे बरी कर देते हैं। सुनते हैं छोटे मोटे केस के अंदर में, तो यहां पर तो दुनिया का सबसे बड़ा जज, पर ये वो जज है जो बड़ी से बड़ी गुनाहों को माफ करता है। सिर्फ समर्पण की दरकार है, कहने की दरकार है कि मैं गुनहगार हूं, एक्सेप्ट करने की दरकार है। आइए सब मिलकर बोलेंगे, आया शरण ठोकरे जग की काके, आया शरण ठोकरे जग की काके।
कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा बहुत दुख पाया।
जिसकी गाड़ी हो चाबी दे देते डबल टू एट वन डबल टू एट वन और फाइव सेवन डबल टू एट फाइव फाइव सेवन एट वन जिसकी भी गाड़ी किसकी है किसी की चाबी दे दीजिए। ये कौन कितने नंबर की है? डबल टू एट फाइव ये विनीत जी से ले लीजिएगा आप चाबी। एक और रहेंगे ना 5721 बोलिए रखदाता की जय। अबे उस पे पैर मत मेरी इस जमाने में
जमाने में अगर तुम ना होते किनारे पे मेरे बताऊं। कलकत्ता में भी कंटिन्यू 4-5 कीर्तन हो गए। मैं सिरोलिया जी का उदाहरण हमेशा देता हूं, 4 कीर्तनों से देखिए क्या किया इन्होंने, न गाया न बजाया न लिखा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में JS नाम हो गया है ना, नाम हो गया इनका 37 है। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। आज ये मेरा छोटा भाई बैठा है, न लिखना कोई भजन नहीं लिखा इसने, कोई भजन गाया नहीं और कभी सीखा नहीं इसने, कभी एक से अच्छे अच्छे एडिटर बैठे हैं एक से, लेकिन आज पूरे इंडिया के अंदर में अगर तरुण क्रिएशन के नाम से दिल्ली में बैठकर ये पूरे इंडिया के कीर्तनों को, यदि कीर्तनों के एड बना रहा है, कीर्तनों के पोस्टर, आज कलकत्ते की जितनी भी संस्था है मैं समझता हूँ 100% संस्थाओं में ये बच्चा, और ये मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे छोटा भाई मिला दिल्ली के हर कीर्तन में, बल्कि 100 किलोमीटर तक के अंदर में हर कीर्तन में ये साथ जाता है। तो ये कृपा इस दरबार में जो भी गया, जिसने भी जो भी अच्छे मन से कोई काम किया उसको चमका दिया बाबा ने, उसका नाम कर दिया है ना, यही कहा। अब खाटू के अंदर में आप जाओगे, खुशियां भी इतनी सस्ती ना होती, इस शब्द का बहुत बड़ा मतलब है। खाटू में बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनका प्रोफाइल आपको 10 साल पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। आपको लगेगा कि बाबा इसका प्रोफाइल क्यों नहीं बदला, लेकिन उससे पूछ कर देखो कि तेरा प्रोफाइल नहीं बदला 10 साल से, लेकिन फिर भी तू आया जा रहा है, क्यों आ रहा है? वो कहता है मेरी जिंदगी के अंदर में, वो कहता है मेरी किस्मत के अंदर में मेरा प्रोफाइल ही गड़बड़ था, ये तो कहता है। 2 दिन आता हूँ इसके दरबार में, 2 दिन इतनी शक्ति दे देता है कि 28 दिन बिगड़े प्रोफाइल को संभालने की हिम्मत दे देता है और 2 दिन आकर ले जाता है। ये जो खुशियां मिलती है ना 2 दिन की, ये बहुत बहुत सस्ती है, बहुत सस्ते दामों में मिलती है। ऐसे ही थोड़ी लोग पागलों की भांति 11 को भागते हैं, है ना, जो जाते हैं उनको मालूम है। जिसने एक दिन फिक्स किया, मैंने बार बार हमेशा कीर्तनों में कहा आप कोई जरूरी नहीं कि 11 को जाओ, क्योंकि अब तो हम लोगों को भी लोग बोलने लगे आपने 11 को आओ, इतनी भीड़ कर दी। आप मावस को जाओ, पूर्णिमा को जाओ, किसी एक दिन अगर आपने फिक्स कर दिया, गारंटी है, कसम खाकर कहता हूं, हाँ मैं बोलता हूं कसम खाटू वाले की, एक दिन अगर आपने फिक्स कर दिया कि दुनिया में कुछ भी होगा बाबा मेरे हाथ में जो है मैं वो करूंगा, टिकट कटवा लूंगा और व्यापार छोड़ दूंगा और रिश्तेदारी छोड़ दूंगा, उसके बाद बुलाना नहीं बुलाना आपका काम है। जैसे इतने वर्षों के अंदर में अगर एक 11 छुट्टी कि पिताजी नहीं रहे उस दिन 11 को, उसमें मेरा हाथ नहीं था। उस दिन कोई भी बेटा लाचार था, लेकिन इसके अलावा कभी चाहे करोड़ों की बात आ जाए, अरबों की बात आ जाए, नहीं, ये दिन मेरे ठाकुर का है, इस दिन कहीं नहीं जाना। ऐसा बात थोड़ी है कि आप इसके लिए समय निकालो, भाई आपके लिए समय नहीं निकालेगा, आप इसके लिए समय निकालो, एक फिक्स समय, ये इंतजार करे कि आज के दिन मेरा बेटा मेरे से मिलने आने वाला है। कई लोगों के बच्चे पढ़ रहे होंगे बोर्डिंग में, जब समर वेकेशन में उनकी डेट आती है ना 2 महीना पहले कि इस दिन बोर्डिंग से छुट्टी होगी आएगा, माँ जो है ना वो 60 दिन कैसे बिताती है उसके दिल से पूछो, एक एक दिन गिनती है, 59 दिन बाद मेरा बेटा आएगा, 58 दिन बाद मेरा बेटा आएगा, वैसे ही मेरा बाबा भी गिनता है, 29 दिन हो गए, 28 दिन हो गए, 27 दिन हो गए। इसीलिए जो भी उस दरबार में गया है उसको कुछ न कुछ बाबा ने दिया है। बोल साचे दरबार की जय। हम नस्ती दरबार में आकर हमेशा सही
मिला है, बहुत कुछ मिला है। और ये तो कृपा हो गई कि 11 को कंगेज गार्डन में मंदिर में हमेशा बाबा ने वहाँ पर बुला लिया, तो इसलिए पिछले कई महीनों से हाजिरी लग रही है बाबा के दरबार में। लेकिन मैं एक ही निवेदन करूँगा, अगले बार से आपको मान लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि मेरा फंडा क्या है। मेरा फंडा यही है कि मेरे से आगे अगर कोई बैठा हुआ है तो मैं उसको गा के ही गाऊंगा, ठीक है। इसलिए अगली बार से आप कोई भी कमेंट मत कीजिएगा, जो आगे आया हुआ हो उसको लीजिएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ तो अपना परिवार अपना घर समझ कर आता हूँ, है ना। जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए संजय भैया के लिए, सबसे गाने का एक और गेम करेंगे, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अच्छा आइए, देखिए हमारे इस भाई की इच्छा है कि भजन में गाऊं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए हारे के सहारे की। देखो मैंने हमेशा बोला कृपा के अनुसार जयकार लगाइए, कम कृपा है कम जयकार, फुल कृपा है फुल जयकार। लख दातार की हनुमान जी मत मना करो, हमेशा बोला आप जयकार लगा सकते हो, फिर इसको जय। एक तो आदमी के पास अगर 500 रुपया है, 1000 रुपया का खान सामान कैसे खरीदेगा। 500 है तो 500 के हिसाब से खरीदो, और अगर 5000 है तो 5000 के हिसाब से। कभी भी ये नहीं कि संजय मित्तल, कहीं भी किसी भी कीर्तन में जाओ आपका बनेगा काम, गारंटी है, गारंटी है। लोग बोलते ना चिल्ला इतना चिल्ला कर क्यों गाते हैं, अरे इसकी कृपा को बखान करने के अंदर में यदि हमने अपने शरीर के बारे में सोच लिया तो हम स्वार्थी हैं। अगर मेलोडी सुनना होता तो सोनू निगम भजन गाते हैं, उनको सुनते शाम जगत में। शाम जगत में अगर मेलोडी ही मिठास ही सुननी होती तो फिर बहुत से आए। आइए देखिए, ये भजन जो है ये श्याम अग्रवाल जी के खास आदमी ने लिखा है। और देखिए ये इस भजन के अंदर में प्रेमी ने कहा कि मैं तकलीफ में हूं तो इसका कारण क्या है, मैं अगर तकलीफ में हूं तो इसका कारण क्या है, ये प्रेमी ने बताया। ए भाई साहब हेलो, बात नहीं करो। तुम्हारी रजा में नाराज ही रहा मैं, तुम्हारी रजा में नाराज ही रहा मैं, शायद इसी की सजा मिल रही है, शायद इसी की सजा मिल रही है। Thank you.
शायद किसी की सजा मिल रही है। साथ है
लुटाता रहा तू उड़ाता रहा मैं, लुटाता रहा उड़ाता रहा मैं, शायद इसी की सजा मिल रही है, शायद इसी श्याम से